हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ मध्य प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें आपको मिलेगी इंग्लिश की पैडागोजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको लगभग ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करना और पूरा अंत तक जरूर देखना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर लगे अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते सबसे पहले, और पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर पैडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड, यानी जो पैडागोजिकल नॉलेज होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ मेथड, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, या एक भी नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पैडागोजिकल नॉलेज होता क्या है। पैडागोजिकल नॉलेज का मतलब है कि जो टीचिंग का मेथड होता है, पढ़ाने का मेथड होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहला है नॉलेज ऑफ कंटेंट। कंटेंट का मतलब कि जो हम चीज़ें हमें बच्चों को पढ़ानी है उसका ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मेथड यानी कि हमें पढ़ाने के तरीका आना चाहिए, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, या दोनों यानी कंटेंट का ज्ञान भी होना चाहिए, जो पढ़ाना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए और पढ़ाने का तरीका भी पता होना चाहिए। यदि ये दोनों बातें होगी तो आपका राइट ऑप्शन होगा फिर यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, यानी जब भी पैडागोजिकल नॉलेज में इंक्लूड की बात करते हैं तो उसमें कंटेंट भी होता है और मेथड भी होता है। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज द स्किल अमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम कौन फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में कौन सी स्किल को टेस्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजिस, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एनालाइजिंग टेस्ट, या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हम ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर है ना, कि वहाँ पर प्लेजर के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होती। तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा आपका आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रिल्स आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन विच मेथड। कौन से मेथड में, जो ड्रिल मेथड होता है, कौन से मेथड में ड्रिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। ऑप्शन है ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड, बायलिंगुअल मेथड, या पैटर्न प्रैक्टिस। तो ड्रिल्स का मतलब होता है जो बार बार चीज़ें रिपीट की जाती हैं, जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो। तो पैटर्न प्रैक्टिस में ड्रिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो राइट ऑप्शन इसका होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का वो होगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड लेक्सिकल है। ऑप्शन है प्रिंसिपल, इफ, सम, या वेदर। तो राइट जो ऑप्शन है इसका वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश भारत में किस तरह की भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, या ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंडिया के हिसाब से इंग्लिश यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज है, बट कई जगह ये स्टडी की जाती है, पढ़ाई जाती है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भी है ना, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये फनेटिक इज द साउंड साइंस ऑफ। जो फनेटिक्स होती है, फनेटिक्स मीन्स होता है साउंड है ना, तो जो किस चीज का साइंस होता है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पर ये रूट वर्ड है फोन, ये पी एच यू एन ई लगा है ना, फोन, फोन मीन्स होता ही है साउंड, फोन मीन्स होता है साउंड। तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज सीखना कहाँ से शुरू होती है, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से, या राइटिंग। तो यहाँ पर जो एक पैटर्न होता है लैंग्वेज लर्निंग का होता है, याद कर लीजिए एल एस आर डब्ल्यू, यानी सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, उसके बाद रीडिंग करेगा, और उसके बाद राइटिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स होती है आपकी लिसनिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका लिसनिंग। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जनरल एम ऑफ प्रोस टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। जो प्रोस टीचिंग होती है, प्रोस मिलती है हमें अपनी टेक्स्ट बुक में, पोइट्री मिलती है इंग्लिश में, फिक्शन ड्रामा इस तरह से, तो ये प्रोस होते हैं। प्रोस में क्या होता है, आपकी स्टोरी आ जाती है, जो लेटर्स होते हैं लेसन में, है ना, वो सब प्रोस में आते हैं। तो इससे स्टूडेंट में क्या डेवलप होता है ये बताना है। तो इंटरेस्ट इन रीडिंग, रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है स्टूडेंट की, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बढ़ती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर प्रोस रीडिंग से जो एबिलिटी डेवलप होती है एक स्टूडेंट में, वो होती है सभी, यानी बच्चा रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चे का, क्रिटिकल थिंकिंग भी उसके अंदर आती है, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी अच्छी हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। कौन से भारतीय रिफॉर्मिस्ट ने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था। ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो यदि हम इंग्लिश साहित्य की बात करें तो हमें वहाँ पर जो इंग्लिश साहित्य भी स्टार्ट होता है वो भी राजा राम मोहन रॉय से स्टार्ट होता है, जो बंगाल के थे स्पेशली, और बंगाल में इंग्लिश एजुकेशन का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कई सारे बंगाली राइटर जो इंग्लिश में काफ़ी फेमस थे, है ना, जिसमें आपके रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं जो एक बंगाली राइटर थे, उन्होंने गीतांजलि लिखा था, और गीतांजलि उन्होंने लिखा था शायद आई थिंक 1910 के आसपास, और 11 में इंग्लिश गीतांजलि लिखा था, और 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उसकी गीतांजलि के लिए। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी कि इंडियन रिफॉर्मिस्ट कौन थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वोकैबुलरी कैन बी टॉट बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक। यानी जो वोकैब होती है, जो मीनिंग्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें कौन सी टेक्निक के द्वारा सिखाया जा सकता है ये बताना है। यूजेस करके, यानी वोकैब का सेंटेंस में प्रयोग करके सिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी सिखा सकते हैं, या सिनोनिम्स के तरीके से सिखा सकते हैं, सभी तरीके से। तो डेफिनेटली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो वोकैब होती है उसका जो टेक्निक है बच्चे को सिखाने के लिए वो क्या है, सभी हैं। आप बच्चे को सेंटेंस में यूज करके वोकैब सिखा सकते हैं, डायरेक्ट तरीके से भी और सिनोनिम से। आपने देखा होगा कि इंग्लिश की टेस्ट बुक में जैसे कोई आपको एक वर्ड मिलता है, ठीक है, और उसमें आगे ये बोला जाता है कि इन वर्ड्स को आपको सेंटेंस में यूज करना है, कोई भी सेंटेंस बनाया, तो उससे हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर वोकैब को डेवलप करवाते हैं। और आपको वोकैबुलरी लेसन के बाद भी दी जाती है, तो डायरेक्ट तरीके से भी, और एक्सरसाइज में आपको कई जगह पर सिनोनिम्स के तरीके से ही वोकैब लर्निंग के लिए मिल जाती है। यानी कि ये चारों जो तीनों ऑप्शन ये है ना, ये बेस्ट हैं वोकैब सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हु सेड, किसने रहा रीडिंग मेथ से फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों ये, और ये जो लाइनें ली गई ये ली गई हैं ऑफ स्टडीज से, ऑफ स्टडीज, जो वेरी फेमस ऐसे है हमारे सर फ्रांसिस बेकन का, इंग्लिश राइटर हैं और काफ़ी फेमस हैं, और इनके मोस्टली ऐसेज ऑफ से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे वो ऑफ स्टडीज हो, ऑफ ट्रूथ हो, ऑफ लव हो, ऑफ एक्सपेंस हो, है ना, तो ये सब आपको है। तो यहाँ पर जो लाइनें लिखी हैं कि रीडिंग मेथ से फुल मैन, यानी यदि कोई स्टूडेंट रीडिंग बहुत अच्छी करता है तो उससे फुल मैन, यानी ये कंप्लीट मैन बन जाता है। राइटिंग करने से कौन क्या बनता है, वो एग्जैक्ट मैन, राइटिंग बहुत अच्छी करता है तो एग्जैक्ट बनता है, और कॉन्फ्रेंस यानी अपने विचारों को दूसरों को बताता है तो क्या होता है, रेडी मैन हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सर फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। राइटिंग की सबसे अच्छी स्टाइल कौन सी होती है, वर्टिकल या फिर इररेगुलर, फॉरवर्ड या हॉरिजॉन्टल। तो जो राइटिंग की बेस्ट स्टाइल होती है वो होती है आपकी वर्टिकल, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रामर शुड बी टॉट बाई। ग्रामर को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी बच्चे को हम क्लियर एक्सप्लेनेशन दे के ग्रामर पढ़ा सकते हैं, या इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेस्ट, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं लेसन वगैरह कॉन्टेस्ट जो पढ़ा रहे हैं
उसी में प्रैक्टिस कराएं, या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल, या स्टूडेंट से ये बोलें कि आप रूल से आप कर लो, आप ग्रामर सीख जाओगे, या मेकिंग लर्नर्स डू रिटन, या स्टूडेंट से ये बोलें कि आप लिख लिख के ग्रामर को पढ़ें। तो जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसी में लेसन में भी सेंटेंस ही लिखे हुए हैं, और हम उन्हीं सेंटेंसेज में वहीं पर प्रैक्टिस कराएंगे, वहीं पर रूल बताते जाएंगे साथ में, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी साउंड्स आर वॉवल्स एंड हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें मालूम है, जैसा कि इंग्लिश में हमारे 44 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं? 44। जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं आपके 26, जिनमें 5 आपके वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 26 तो ये आपके रिटन लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हमारी साउंड की। तो साउंड्स क्या होते हैं? जिनका हम प्रोनंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं। तो जैसे आउट ऑफ दीज, इनमें कितने बताना है कि कितने वॉवल साउंड हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन है 20, 24, 5 या 39, 22, 22, 10 या 34। तो राइट ऑप्शन ये होगा कि आपका ए। अब ये क्यों होगा? क्योंकि इंग्लिश में आपके जो वॉवल हैं साउंड वो 20 हैं, और जो कॉन्सोनेंट हैं वो 24 हैं। अब वॉवल भी दो तरीके से होती है, एक होती है मोनोप्थन, एक होते हैं डिप्थन। मोनोप्थन को हम प्योर वॉवल भी बोलते हैं, और ये होते हैं आपके 12, और जो डिप्थन होते हैं ये आपके होते हैं 8। इस तरह से 20 वॉवल्स होते हैं। आप इनको भी याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है, और कई सारे टेट एग्जाम में आया है, सी टेट में कई बार आ चुका है, डिप्थन कितने होते हैं इंग्लिश साउंड में। तो डिप्थन आपके 8 होते हैं, एंड प्योर वॉवल्स कितने होते हैं? प्योर वॉवल्स आपके 12 होते हैं, और कॉन्सोनेंट आपके कितने हैं? 24। लेकिन यदि आप एमपी बोर्ड की बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको वॉवल्स जो होंगे 22 मिल जाएंगे, जिनमें दो वॉवल जो है ना वो इंडियन वॉवल भी जुड़े हुए हैं, इस बात को याद रखिए। लेकिन आईपीए स्टैंडर्ड फोनेटिक अल्फाबेट के हिसाब से आपके 20 वॉवल्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ये होगा 20 एंड 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following is not true about the status of English language across the world? यानी English language के status के हिसाब से एक चीज़ इसमें सही नहीं है, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो। तो फर्स्ट ऑप्शन है English as a native language है, बिल्कुल है। English as a heritage language है, English as a foreign language, या English as a second language। तो देखिए, second language है, foreign language भी है, नेटिव लैंग्वेज भी है, बट हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है, यानी विरासत में नहीं मिलती किसी को, है ना। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 15 का होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नॉन एज। शब्दों की और उसके मीनिंग की जो स्टडी कहलाती है वो क्या होती है? ऑप्शन है सीमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स या सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। सीमेंटिक्स में आपको स्टडी करते हैं वर्ड्स और उसके मीनिंग की, कई बार ये वन वर्ड में भी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखें। नेक्स्ट है इटिमोलॉजी इज। इटिमोलॉजी क्या होती है? तो साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या साइंस ऑफ नोइंग द ऑरिजिन ऑफ वर्ड। जो इटिमोलॉजी होती है वो हमें ये बताती है कि ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस तरीके से, इसका रूट वर्ड क्या है, इसकी स्टडी हम करते हैं इटिमोलॉजी में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक शब्द में जो उसका मीनिंग होता है वो कहाँ से आता है। जैसे कोई मीनिंग है आपका, जैसे मैंने कहा आपका वर्ड ले लेते हैं मोनोग्रामी। तो इसमें जो वर्ड हैं इसके मीनिंग कहाँ से आया है ये बताना है, कहाँ से मीनिंग आता है। देखिए, तो मोनो आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वन, एंड ग्रामी आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो
ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आ रहा है? इसकी उत्पत्ति से आता है, यानी कि जहाँ से उत्पत्ति होती है वहीं से उस शब्द का मीनिंग आ जाता है। ना डिक्शनरी से नहीं आता, ना रिलेशन बताता है कॉन्टेक्स्ट में, स्पेलिंग से भी नहीं आता। जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोज हु आर, जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर्स होते हैं वो कौन होते हैं ये बताना है। ऑप्शन है कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, या लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, या पहली बार हिंदी सीख रहे हैं, या लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, या पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, या फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। तो राइट ऑप्शन आपका डी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व, यानी कि यदि हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो अच्छे पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन है करेक्ट पंचुएशन मार्क्स होने चाहिए, यानी जो फुल स्टॉप कॉमा सेमी कॉलन हाइफन डैश ये लगाते हैं ये सही होने चाहिए, या आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस अच्छा होना चाहिए, या फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए, या लिजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी एक अच्छे पैराग्राफ में आपके आइडियाज होने चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छा, और कोहेरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न ए लैंग्वेज व्हेन दे हैव इट, बच्चे बहुत अच्छी तरह भाषा सीख सकते हैं जब उनके पास होगा क्या होगा, ए गुड टेक्स्ट बुक, ए प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, या इनहिबिटेशन, या मोटिवेशन। तो जब तक बच्चे में मोटिवेशन नहीं होगा, प्रेरणा नहीं होगी बच्चे में, तब तक बच्चा इस भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो है आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ, लैंग्वेज किस चीज का सिस्टम होता है, भाषा, भाषा में का सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स साउंड होते हैं भाषा में, बिल्कुल होते हैं, ग्रामर होती है लैंग्वेज में होती है, वोकैब होती है या सभी होते हैं। तो एक भाषा में सारी चीज़ें होती हैं, साउंड भी होते हैं, ग्रामर भी होती है, और वोकैब भी होती है। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, जितनी भी टीचिंग मेथड होते हैं उसमें सभी की यूनिट होती है, यानी किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो मेथड यूज किया जाता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसी भाषा में पूरा कन्वर्सेशन, जो टीचिंग का जो माहौल होता है वो उसी में रहे। जैसे मान लीजिए कि हम मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्लास में, तो क्लास में टीचर भी इंग्लिश बोलेगा, स्टूडेंट भी इंग्लिश बोलेंगे, यानी हर जगह इंग्लिश ही बोली जाएगी, वहाँ पर नेटिव लैंग्वेज का यूज बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा। वहाँ पर वर्ड पर फोकस किया जाता है, सेंटेंस पर, फ्रेज पर, या सिलेबस पर। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो हमेशा फोकस करता है सेंटेंस पर, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स एंड आइडियाज, मैक्सिमम यूज ऑफ मदर टंग, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग, या नन ऑफ दीज। तो मैंने ये बताया जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और ट्रांसलेशन मेथड नहीं हो रहा एक भाषा से दूसरी भाषा में, जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं उसी लैंग्वेज में पूरी क्लासरूम चलती है। तो राइट ऑप्शन हो रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है शब्दों का और आइडियाज का वो बताया जाता है, यानी कि अपने आइडियाज को, अपने शब्दों को डायरेक्ट बोला जाता है उसी भाषा में जिस जो भाषा हम सीखना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है पेडागोजी इज, पेडागोजी क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, या टीचिंग स्किल है। तो पेडागोजी में क्या होती है, इसमें हम स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, इन पढ़ाने के मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी सीखते हैं उसे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 26। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी जो शब्दों का फॉर्मेशन होता है, यानी जैसे हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, है ना, वर्ब बनाते हैं, तो इसका जो बनाने का जो फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टडी होती है, उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, फोनोलॉजी बोलेंगे, फोनेटिक्स बोलेंगे। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, इसमें
वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी की जाती है, इसलिए आंसर बी यहां पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रोस। प्रोस इज ए फॉर्म ऑफ, प्रोस एक क्या है, पोएट्री है, लिटरेचर है, ग्रामर है या स्टांजा होता है। तो जो प्रोस होती है वो पोएट्री नहीं होती, पोएट्री तो लिटरेचर पोएम का एक फॉर्म होता है ना, पोएट्री लिटरेचर में ही आती है, पोएम का एक फॉर्म होता है, और जो प्रोस होती है वो किस में आती है, लिटरेचर में आती है। ग्रामर में प्रोस नहीं होता, स्टांजा पोएम की कुछ लाइनों को स्टांजा बोलते हैं जो हमें टेक्स्ट बुक में मिलता है। पोएट्री में पोएम्स होती हैं आपकी, या बैलाड्स होगी है ना, और इपिक भी आ जाते हैं पोएट्री के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी लिटरेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स। कई बार एग्जाम में आया है कई सारे परीक्षाओं में कि लैंग्वेज सीखने का सही जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, या रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग या लिसनिंग, या फिर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, या स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग या रीडिंग। तो मैंने ये आपको बताया या आप याद कर लीजिए एल एस आर डब्ल्यू को। लिसनिंग सबसे पहले करता है स्टूडेंट, फिर स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है, उसके बाद राइटिंग करता है। तो ये आपका फॉर्मेशन होगा करेक्ट लैंग्वेज लर्निंग का। तो राइट ऑप्शन इसका होगा बोल रहा आपका सी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिससे वो भी कुछ सीखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।